Hey guys, this is Sarthak and you are watching Modest Tech YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप PC components की pricing को compare करते हो online versus offline, तो आप लोगों को कितना difference देखने को मिलेगा। जैसे कि सब लोग कहते हैं कि आप लोगों को जो अपना PC build है वो offline करना चाहिए ताकि आप लोगों को best prices देखने को मिले। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके आसपास offline किसी shop का access नहीं है और वो सिर्फ online ही build करेगा अपने PC को, तो उस बंदे को यार कितने ज्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं, इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार, मेरे चैनल की बात करी जाती है यार पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में, तो अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों में तो यार बिंदास मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में दबाओ बेल आइकन को ताकि मैं यार फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो अब फटाफट से बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता देता हूं, मैं कुछ दिनों पहले यार गया था नेहरू प्लेस, काफी सारी चीजों की यार प्राइसेस को लेने के लिए, जैसे कि राइजन की जो थर्ड जनरेशन आई है उसकी प्राइस लेने के लिए, आरटीएक्स के सुपर सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स की प्राइस लेने के लिए, और भी काफी सारी चीजों की यार प्राइसेस को लेने के लिए। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक ये रही, आप जाके देख सकते हो, सिर्फ क्लिक करो वीडियो के ऊपर पहुंच जाओगे। तो पहले ये वीडियो देख लो फिर जाना यार उसके ऊपर। तो मैं नेहरू प्लेस की प्राइस को कंपेयर करने वाला हूं ऑनलाइन से, और ऑनलाइन में किस वेबसाइट से कंपेयर करूंगा ये बहुत बड़ी बात उठ के आती है। अब भाई जब आप ऑनलाइन बाय करोगे तो जाहिर सी बात है आपको ऑनलाइन जहां पर भी बेस्ट प्राइस देखने को मिलेगा, एमडी कंप्यूटर्स हो गया, अमेज़न हो गया, या फिर आपका वेदांत कंप्यूटर हो गया, ऐसे करके जो भी दो तीन चार पांच वेबसाइट है उन सभी में आप कंपेयर करोगे, जहां आपको बेस्ट मिलेगा ऑब्वियसली बात है कि आप वहीं से जाके परचेस करोगे। वो अलग बात है कि अगर आपको अमेज़न पे ट्रस्ट है फिर भी वहां महंगा मिल रहा है तो आप वहीं से ले लोगे, वो थोड़ा अलग बात हो जाती है। बट मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस से कंपेयर करूंगा ऑनलाइन वाले। तो बढ़ते फटाफट से हम प्राइस डिफरेंस की तरफ कि हम लोगों को कितना देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने जाता हूं, और मैंने काफी बड़ी एक लिस्ट बना के रख ली है जिसके अंदर काफी सारे पीसी कंपोनेंट्स की प्राइसेस को मैं कंपेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्रोसेसर्स की प्राइसिंग के बारे में। मैंने एक चीज नोटिस करी कि यार प्रोसेसर्स के जो प्राइस है ना, यानी सीपीयू के प्राइस, उसमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। बाकी जो मदरबोर्ड हो गए, ग्राफिक कार्ड हो गए और दूसरी चीजें जो होती है इनके अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आता है हमारा Ryzen 5 का 3600। इसकी जो आप लोगों को ऑफलाइन प्राइस देखने को मिलेगी वो है एग्जैक्ट 17,000 रुपीज, ऑनलाइन प्राइस मिलेगी आप लोगों को इसकी 17,300 रुपीज। तो ऑनलाइन ही हम लोगों को 300 रुपीज एक्स्ट्रा पे इसके करने पड़ जाएंगे। Ryzen 3 3200G जो कि एक बजट सेगमेंट का एपीयू है, ये हम लोगों को ऑफलाइन मिलेगा 8,000 रुपीज का, जबकि ऑनलाइन मिलेगा हमें 8,600 रुपीज का। तो ये 600 रुपए महंगा है। अब बात करें हमारे इंटेल कोर i5 9400F की प्राइस के बारे में, ये ऑफलाइन मिलेगा हम लोगों को 11,200 रुपीज़ का, जबकि ऑनलाइन ये थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है, लगभग 1300 रुपीज़ महंगा है, 12,500 रुपए का ये हमें ऑनलाइन देखने को मिलता है। तो इंटेल का प्रोसेसर थोड़ा महंगा मिल रहा है हम लोगों को ऑनलाइन। अब बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड्स के बारे में। तो MSI का B450 Tomahawk जो कि बहुत ही बेहतरीन मदरबोर्ड है, ये हम लोगों को ऑफलाइन मिलता है 10,500 रुपए का, ये मदरबोर्ड हम लोगों को ऑनलाइन मिलता है 10,730 रुपए का। तो इसमें 230 रुपीज एक्स्ट्रा इसके पे करने पड़ जाएंगे ऑनलाइन। अब बात करें हमारे गीगाबाइट के B450 Aorus Pro Wi-Fi मदरबोर्ड के बारे में, ये ऑफलाइन मिलता है हमें 12,000 रुपीज़ का और ऑनलाइन मिलता है 12,260 रुपीज़ का। तो ये 260 रुपीज़ महंगा है। अब बढ़ते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड्स की तरफ। तो इनो 3D का RTX 2070 सुपर हमें मिलता है 42,500 रुपीस का, और ये हमें मिलता है ऑनलाइन 43,350 रुपीस का। तो ये ग्राफिक कार्ड हमें 850 रुपीस महंगा देखने को मिलता है। अब बात करें हमारे गैलेक्सी की GTX 1660 की प्राइस के बारे में, ये ऑफलाइन मिलता है 22,500 रुपीस का और ऑनलाइन मिलता है हम लोगों को 22,700 रुपीस का। अब बात करूं चाहे मैं रैम, SSD, हार्ड ड्राइव और आपकी जितने भी इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, इन सभी की जो प्राइसेस है ना वो ऑनलाइन और ऑफलाइन नेक टू नेक बिल्कुल सिमिलर है। मतलब सिर्फ आपका प्रोसेसर रैम हो गया, वो प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया और आपका ग्राफिक कार्ड हो गया, सिर्फ इन तीन चीज़ों की जो प्राइसेस है वही आपस में बस थोड़ी सी महंगी है आपकी ऑनलाइन। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जैसे हार्ड ड्राइव हो गई, SSD हो गई, रैम हो गई, आपका PSU हो गया या फिर आपकी कैबिनेट्स हो गई, इन चीज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को।
तो इस चीज से हमने ये सीखा कि अगर आप ऑनलाइन अपना पीसी बिल्ड करते हो तो आपको हार्डली 1000 टू 3000 रुपीस का गैप देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन भी बिल्ड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर एक्सेस नहीं है किसी ऑनलाइन मार्केट का तो बस दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। मैं मिलूंगा यार आपसे अब एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।